हाँ जी, फोर्थ क्लास हमने अपने फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश की समरी करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपका चैप्टर का नेम क्या? वेकअप। तो ये जो पॉइंट है उसमें पॉइंट दिस पॉइंट अट्रैक्ट्स अस, ये हमारे हमें किसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, किसकी तरफ खींचती है? ब्यूटी ऑफ नेचर, जो हमारे आसपास कुदरत की ब्यूटी उसके तरफ हमें लेके जाती है, अट्रैक्ट करती है। व्हेन वी वेक अप अर्ली, जब हम जल्दी उठते हैं, इन द मॉर्निंग वी सी द राइजिंग सन, हम उगते हुए सूरज को देख सकते हैं, बर्ड्स की आवाज़ को देख सकते हैं, स्माइलिंग फ्लॉवर्स को आप देख सकते हो, फ्लावर्स को, ठीक है। नेक्स्ट वो बोल रहा है वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, उठ जाओ उठ जाओ, ये बहुत ही लवली दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले, ओ प्लीज़ उठ जाओ ना और आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्री, जो बर्ड्स हैं वो ट्री के ऊपर सिंगिंग कर रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और तुम मधुमक्खियों की जो बजिंग की आवाज़ है, ठीक है, बिन बिन आने की आवाज़, वो भी सुन सकते हो। वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, उठो उठो, ये बहुत ही प्यारा दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप, ओ प्लीज़ उठ जाओ एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। इट्स टू मच लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड, वो बोलते हैं कि बहुत ही लेट हो गया ये बेड पे सोने के लिए, बेड पे सोने का टाइम नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा लेट हो, सो हरी अप जल्दी करो, यू स्लीपी हेड, स्लीपी हेड बोलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सोता है, ठीक है। वॉश एंड ड्रेस, नहा धो लो और ड्रेसअप अपनी कर लो, एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। एवरी वन इज़ अप एंड अबाउट, जो सभी है वो सभी मतलब उठ चुके हैं और बाहर हैं। द काओ द हॉर्स द डक्स एंड द शीप, जो भी काउज है, हॉर्स है, डक्स है, शीप्स, वो सभी क्या करें, उठ चुके हैं। द टिनियस चिकन चिप चिप चिप, जो छोटा सा चूचा है, ठीक है, चिकन है, वो भी क्या कर रहा है, चिप चिप चिप, उठ जाओ, ठीक है।